आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के एक मंजे हुए कलाकार हैं। कई फिल्मों में चैलेंजिंग रोल्स निभाकर आयुष्मान ने इंडस्ट्री में खुद को साबित किया और अपनी एक पहचान बनाई। मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। आउटसाइडर होने की वजह से आयुष्मान को बॉलीवुड में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। तो कुछ अनसुने किस्से के इस एपिसोड में आपको बताएंगे आयुष्मान से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म सर्कल और मैं हूं फिल्मी बिंदिया। तो सबसे पहले आयुष्मान की पर्सनल लाइफ की बात हो जाए। चंडीगढ़ में जन्मे आयुष्मान ने अपनी पढ़ाई सेंट जॉन हाई स्कूल और डीएवी कॉलेज से की। आयुष्मान के डैड पी खुराना एस्ट्रोलॉजर हैं और उनकी माँ हाउसवाइफ हैं। और उनके भाई अपार शक्ति को तो आप सभी जानते ही हैं, वो भी एक एक्टर ही है। आयुष्मान ने अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ताहिरा कश्यप से शादी की और उनके दो बच्चे हैं, विराज वीर और वरुष्का। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि आयुष्मान फिल्मों में आने से पहले रियलिटी टीवी शो रोडीज 2 के विनर थे। आयुष्मान बिग एफएम दिल्ली में आरजे थे और ये उनकी फर्स्ट जॉब थी। आयुष्मान वो बिग चाय मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान शो को होस्ट किया करते थे। धीरे धीरे आयुष्मान ने रेडियो से टीवी पर जंप मारा और बन गए एक वीडियो जॉकी। फिर उन्होंने अपने पैर और पसारे और फिर सुजीत सरकार की विक्की डोनर से बॉलीवुड फिल्म्स में डेब्यू किया। अपनी पहली फिल्म के टॉपिक से ही आयुष्मान चर्चा में आए। फिल्म हिट साबित हुई और आयुष्मान ने पहले ही फिल्म के लिए कई अवार्ड्स भी बटोर लिए। फिल्म अंधाधुन के लिए आयुष्मान को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा बधाई हो, शुभ मंगल सावधान, बरेली की बर्फी, ड्रीम गर्ल और दम लगा के हईशा आयुष्मान की कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। मशहूर एक्टर हैं तो कंट्रोवर्सीज भी होंगी ही, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं आयुष्मान के लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज की। हाल ही में कंगना रनौत ने नेपोटिज्म को लेकर आयुष्मान खुराना पर निशाना साधते हुए उनको चापलूस आउटसाइडर कह दिया था। दरअसल आयुष्मान सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते नजर आए थे, जिस वजह से उन्हें अपने ही फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों ने उन्हें आउटसाइडर होते हुए सुशांत केस पर चुप्पी साधने को लेकर काफी खरी खोटी सुनाई थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में आयुष्मान ने करण जौहर पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने ये भी बताया था कि बॉलीवुड में उनको नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा था। नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में डिबेट लंबे समय से चलती आ रही है और करण जौहर को फादर ऑफ नेपोटिज्म कहा जाता है। आयुष्मान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा, जब मैं आरजे था तो करण जौहर से इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का लैंडलाइन नंबर दिया था। अगले दिन मैंने नंबर डायल किया, बताया गया करण ऑफिस में नहीं है। दूसरे दिन मैंने फिर कॉल किया, बताया गया कि वह बिजी है। आखिरकार अगले दिन मेरा भ्रम टूट गया जब उन्होंने साफ तौर पर कहा, हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं और आपके साथ काम नहीं कर सकते। आयुष्मान की फिल्म बाला को लेकर के भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और कोर्ट कचहरी के लफड़े भी पड़ गए थे। उजड़ा चमन के निर्देशक अभिषेक पाठक और प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बाला के मेकर्स अमर कौशिक और दिनेश विजान पर कॉपीराइट्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं लेखक कमलकांत चंद्रा ने भी आयुष्मान और बाला फिल्म के मेकर्स पर कहानी चुराने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, नमन यश गोयल जो कि राइटर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर हैं, उन्होंने दावा किया कि बाला की कहानी और प्लॉट 2010 में द बिगिनिंग टू गेट बॉल्ड नाम की उनकी एक फिल्म से उठाया गया है। बाला विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गूंजा लेकिन फाइनली फिल्म रिलीज हो गई। अपनी पहली फिल्म विक्की डोनर में यामी गौतम के साथ किसिंग सीन को लेकर आयुष्मान की मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम आ गई थी। एक चैट शो में आयुष्मान ने बताया कि विक्की डोनर में किसिंग सीन को लेकर उनके और उनकी वाइफ के बीच दूरियां आ गई थी। उनकी वाइफ अपसेट हो गई थी और इसी वजह से दोनों के बीच काफी अनइजीनेस रही और सब कुछ ठीक होने में 3 साल लग गए। विक्की डोनर के वक्त आयुष्मान की वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। आयुष्मान ने बताया कि उस वक्त ताहिरा इन सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब ताहिरा को आयुष्मान के फिल्मों में किसिंग सीन्स देने में कोई आपत्ति नहीं है। विक्की डोनर आयुष्मान के दिल के काफी करीब है। वाकई इस फिल्म ने आयुष्मान की लाइफ बदल दी थी, लेकिन इसी फिल्म के चलते उनको काफी एम्बैरेसमेंट भी कई बार झेलनी पड़ी। तो क्या किया आयुष्मान ने जब एक फीमेल फैन उनसे स्पर्म्स मांग बैठी? जी हाँ, आयुष्मान अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल में थे जब एक फीमेल फैन ने
आयुष्मान से उनके स्पर्म्स मांग लिए। एक तरफ तो उनकी मां स्कैंडलाइज्ड हो गई और एकदम शॉक्ड रह गई, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उस लड़की को कहा कि उनकी मां अगर साथ ना होती तो वो दे देते। तो जाते जाते आपको आयुष्मान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुना जाती हूँ। बॉलीवुड में अपने स्ट्रगल को याद करते हुए आयुष्मान ने एक कहानी सुनाई थी। आयुष्मान ने आरजे नीलेश मिश्रा के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि एक वक्त ऐसा था कि मुंबई में उनके पास छत तक नहीं थी, ऐसे में उनको अपने एक दोस्त के साथ रहना पड़ा। आयुष्मान इस बात से अनजान थे कि उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ रहती है। वो आयुष्मान का पहला दिन था। उन्होंने बताया कि एक ही रूम था और उसी रूम में किचन भी था, और उसी दिन उनके दोस्त और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच लड़ाई हो गई, जिसके चलते एक क्वीन साइज बेड में आयुष्मान को उन दोनों के बीच सोना पड़ा, लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आई। फिर अगले दिन आयुष्मान ने बोरिया बिस्तर उठाया और एक दूसरे दोस्त के हॉस्टल रूम में शिफ्ट हो गए। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे सुने अनसुने किस्से हम आपके लिए इस सीरीज में लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर अपनी कुछ व्यूज आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।